आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज वीडियो में लेकर उसका टाइटल है Who actually controls India? It's not PM। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोगी चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हमें बचपन से सिखाया गया है कि पीएम इज द वन हु रन्स द कंट्री, बट व्हाट इफ मैं कहूं ये सरासर झूठ है? तो असल में हमारा देश पीएम नहीं बल्कि कोई और ही चलाता है। पीएम तो बस सिर्फ एक चेहरा होता है, एक फेस। इस बार के इलेक्शंस के बाद 11 जून को जब पीएम मोदी ने अपने थर्ड टर्म के कैबिनेट पोर्टफोलियो को अनाउंस किया, तो उसमें दो बातें थोड़ी सी अनयूजुअल थी। पहली, 10 साल से मिनिस्टर रही स्मृति ईरानी और फॉर्मर आईटी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी जैसे बड़े बड़े नामों को इस बार के कैबिनेट मिनिस्टर के लिस्ट से ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन वहीं पर अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी, यहां तक कि इलेक्शन लड़े बिना एस जयशंकर जी को भी कैबिनेट मिनिस्ट्री दे दी गई। आखिर ऐसा क्यों? दूसरी बात, आईपीएस अजीत डोवाल को एनएसए और आईएसपी के मिश्रा को प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम, इन पोजीशंस पर फिर से थर्ड टर्म के लिए प्लेस किया गया। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम और एनएसए, इन पोजीशंस को पीएम का राइट और लेफ्ट हैंड माना जाता है। इतने इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर भी पीएम ने अपने किसी पार्टी के मेंबर को नहीं रखा जो इलेक्शंस लड़के जीत कर आए थे, बल्कि इन्हें अपॉइंट किया गया। आखिर ऐसा क्यों? वेल, बिकॉज इन पांचों के नामों में एक चीज बिल्कुल कॉमन है, ये सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। 1971 बांग्लादेश लिबरेशन हो, 1998 का पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हो, देश में जीएसटी लागू करना हो, या फिर कोविड जैसे बड़े पैंडेमिक के दौरान इतने बड़े देश में वैक्सीन ड्राइव चलाना हो, या हमें किसी भी डिजास्टर से बचाना हो, न जाने कंट्री के कितने बड़े बड़े काम जो आपको मुझे लगता है कि सरकारें करती है, लेकिन असल में इन सब के पीछे होते हैं हमारे अनसंग हीरोज, ब्यूरोक्रेट्स। और इसीलिए आज का हमारा ये वीडियो थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा गवर्नेंस और दुनियादारी के प्रैक्टिकलिटी में रूटेड होगा। इस वीडियो के लिए हमने आपके सबसे फेवरेट और इंडिया के यूपीएससी टॉप एडुकेटर्स जैसे सुदर्शन गुज्जर सर, मृणाल पटेल सर और प्रतीक नायक सर के साथ भी बात की है, आपको एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव देने के लिए कि देश में एट द एंड काम होता कैसे। हम आपके साथ एक एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करेंगे जिसके बारे में आपको डेफिनेटली नहीं पता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या आपको पता था कि सिक्किम को इंडिया में किसने और कैसे इंक्लूड किया? पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जब इंडिया पर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे, तब हमें उससे बाहर किसने निकाला? इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट। जीएसटी इंडिया में किसने इंप्लीमेंट करवाया? ये सारे ग्राउंड रियलिटी के फैक्ट्स जो ऑडियंस से हमेशा छुपे रह जाते हैं, ये आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। अब देखो, हाल ही में हुए 16 जून को यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 13 लाख एस्पिरेंट्स ने 1056 सीट्स के लिए इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम में कम्पीट किया। लेकिन इतने सारे लोगों में महज 1056 लोग ही सिलेक्ट होंगे, और उनमें से भी टॉप 300 को ही देश की एलीट ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस मिलेगी। मतलब आप देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी पोस्ट होती है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है जिसके अंडर अलग अलग स्टेट मिनिस्ट्रीज के कई सारे ऑफिसर्स काम करते हैं। अब यही हायरार्की अगर एक पूरे स्टेट में भी देखे तो वहां भी सबसे बड़ी पोस्ट चीफ सेक्रेटरी की होती है, जो स्टेट के मिनिस्ट्रीज को लीड करता है, जो अगेन एक आईएएस ऑफिसर ही होता है। अब नेशनल लेवल पर भी अगर देखे तो यही ब्यूरोक्रेट्स ही तो लीड करते हैं, राइट फ्रॉम कैबिनेट मिनिस्टर्स के सेक्रेटरी, जो कि एक मिनिस्टर के लिए किसी पर्टिकुलर स्कीम को प्लान और एग्जीक्यूट करवाते हैं। इवन देश के सारे इंपॉर्टेंट एजेंसीज जिसकी ईडी, सीबीआई, आईबी, जो रातों रात गवर्नमेंट्स तक पलट देते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर तक को अकाउंटेबल रखते हैं, इन एजेंसीज के हेड्स भी यही ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं। अरे एजेंसीज तो छोड़ो, पीएम के राइट हैंड लेफ्ट हैंड कौन होते हैं? मोदी जी के हर एक टर्म में अगर आप पीएमओ के इस लिस्ट को ध्यान से देखोगे तो ये सब वही आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं जो पीएम के राइट हैंड की तरह काम करते आ रहे हैं। अब इन ब्यूरोक्रेट्स की इंडिया के लिए क्या वैल्यू होती है, इसे आप इस बात से ही समझ सकते हो कि साल 2014 में मोदी गवर्नमेंट पार्लियामेंट में एक ऑर्डिनेंस यानी कि एक नया एक्ट ही ले आई थी ताकि वो नृपेंद्र मिश्रा को पीएमओ में पोजिशन दिला सके। एंड सेम जब 2017 में फॉरेन सेक्रेटरी के पोजीशन से एस जयशंकर जी रिटायर हो गए थे, तब पीएम ने वापस से एक एक्ट पास करके उनकी एक साल के लिए सर्विस को एक्सटेंड करवा दी। यस, सिर्फ एक ऑफिसर के लिए एक एक्ट पास कर दिया गया ताकि उनकी सर्विस एक्सटेंड हो सके। और फिर जब वो सर्विस एक्सटेंशन भी खत्म हो गया, उसके बाद तो सीधे उन्हें फॉरेन मिनिस्टर ही बना दिया गया। एंड दीज ब्यूरोक्रेट्स आर एक्सट्रीमली वेल पेड एज वेल, हर गवर्नमेंट इनका अच्छे से ध्यान देती है। पहले तो इनकी सैलरीज ही अराउंड 2.5
लाख पर मंथ होती है, जिस सैलरी से भी उनका एक रुपया भी खर्च नहीं होता, क्योंकि उन्हें लिटरली गवर्नमेंट गाड़ियों का एक पूरा कॉन्वॉय, डिस्ट्रिक्ट के सबसे पॉश एरिया में बंगलो, 24/7 आर्म्ड बॉडीगार्ड्स, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री टेलीफोन, यहाँ तक कि होम कुक और गार्डनर भी देती है। और प्लस इस पोजीशन से सोसाइटी में उन्हें जो VVIP ट्रीटमेंट मिलती है वो अलग बात है। इतने पर्क्स और प्रिविलेजेस शायद ही किसी प्राइवेट जॉब में मिलते होंगे, और इसके पीछे जो मेन रीजन होता है वो ऑफ कोर्स होता है इनका ब्रिलियंस और इनका काम। सो चलो अब हम UPSC के टॉप सेलिब्रेटेड एजुकेटर्स से ही समझते हैं कि इन ब्यूरोक्रेट्स का क्या रोल होता है हमारी सोसाइटी में। देखिए, मुझे इस ब्यूरोक्रेसी में सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग टास्क लगता है कि जब डिजास्टर्स आते हैं तो उस दौरान कितना ज़्यादा इन लोगों का काम जो है वो सराहनीय हो जाता है। मुझे आज भी याद है, मतलब मैं अक्सर याद करता हूँ कि जो श्री प्रदीप जी हैं उड़ीसा में, दशकों से मतलब आप कह सकते हो कितने साइक्लोन्स के दौरान उन्होंने अपना काफ़ी मतलब योगदान दिया है। SR राव जी को हम देखते हैं तो सूरत के दौरान मतलब जो प्लेग में कैसा, मतलब इनके रोल हमेशा सराहनीय रहे हैं। इंदौर जैसे शहर में स्वच्छता को भी देखें तो कितना कंटिन्यू इन्होंने संभाला हुआ है, तो बड़ा योगदान है। मतलब इस पूरी इंडिया की डेमोक्रेसी में इसका, ये जो ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो बहुत ज़्यादा सराहनीय है। हमारे ब्यूरोक्रेट सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक्सपर्ट्स नहीं होते। आज जो इंडियन इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, इसमें इनका एक काफ़ी बड़ा रोल रहा है। मृणाल पटेल सर, जो UPSC अरीना के इकोनॉमी सब्जेक्ट के एडुकेटर है, चलो इसके बारे में उनसे ही सुन लेते हैं। मित्रों, इंडियन इकोनॉमी को शेप देने में एक IAS ऑफिसर का काफ़ी महत्व है। चाहे 2 रुपये से लेकर 500 रुपये के करेंसी नोट पर सिग्नेचर करने वाले RBI गवर्नर शक्तिकांत दास हो, या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इम्प्लीमेंट करवाने वाले तत्कालीन फाइनेंस सेक्रेटरी हसमुख अढ़िया साहब, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशन से लेकर सभी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के टॉप मोस्ट बॉस होते हैं IAS ऑफिसर्स। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर IAS का काफ़ी महत्व है, और इसीलिए इन्हें क्रैक करना भी इतना आसान नहीं है। एवरी ईयर ओनली 100 कैंडिडेट्स बिकम IAS ऑफिसर्स, 100 आफ्टर कम्पीटिंग इन अ रेस अमंग 4 लाख कैंडिडेट्स। और इसीलिए कई लोग कोचिंग क्लासेस जाते हैं, लेकिन वहां पर भी एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। कई कोचिंग क्लासेस काफी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन अब सब कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि अन अकेडमी, जो UPSC एग्जाम की तैयारी के लिए इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिसके ऑनलाइन पेड प्रोग्राम से पढ़कर UPSC में 70+ एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, वो अभी आपको 15 मंथ्स का UPSC सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रहा है सिर्फ 24,999 रुपीज में, जिसमें आपको मिल जाता है अन अकेडमी प्लस का एक्सेस विद इंडियाज हाईएस्ट क्वालिटी UPSC CSE एडुकेटर्स, जैसे मृणाल पटेल सर, सुदर्शन गुर्जर सर, सरमद महराज सर और मधुकर कोटावे सर, और इवन आपको हिंदी इंग्लिश या हिंग्लिश बैचेस के लिए सेपरेटली 24,999 पे करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको ये सारे लैंग्वेजेस के बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। सो डेफिनेटली कंसिडर चेकिंग इट आउट, क्योंकि ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए ही एप्लीकेबल है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। आई नो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इन ब्यूरोक्रेट्स को इतने प्रिविलेजेस क्यों दिए जाते हैं। आजकल तो प्राइवेट एम्प्लॉयज भी काफी क्वालिफाइड होते हैं और वो भी काफी मेहनत करते हैं। इसके पीछे 2 मेजर रीजंस हैं। एक कि सिविल सर्विसेज की जॉब काफी ज्यादा हाईली डिमांडिंग होती है। कॉर्पोरेट्स जैसे इनकी जॉब्स का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, ये एक टोटल डेडिकेशन वाला काम है। इनकी जहां पर भी और जब भी जरूरत पड़े उन्हें वहां पर पहुंचना पड़ता है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, इन्हीं सिविल सर्वेंट्स का जॉब हमारे पूरे देश की प्रोग्रेस का कोर्स डिसाइड करता है। मतलब पूरे देश का भविष्य इनके कंधों पर एक्चुअली में टिका हुआ है। आज तक इंडिया ने जितने भी रिमार्केबल माइलस्टोन्स हासिल किए हैं, उनके पीछे उस वक्त के PM के साथ ब्यूरोक्रेट्स का सबसे मेजर हाथ था। जैसे 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, क्या आपको पता है हम किसके वजह से ये जीते? मोस्टली लोगों का जवाब यही होगा कि PM इंदिरा गांधी जी के वजह से। लेकिन किसी को ये नहीं पता, इस पूरे डिसीजन के पीछे एक और बड़ा मास्टरमाइंड था, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी TN हक्सार। अब नेशनल सिक्योरिटी का ही मुद्दा ले लो, इसमें तो हमारे देश में अजीत डोवाल, ये नाम नेशनल सिक्योरिटी का एक सिनोनिम ही बन गया। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मोदी गवर्नमेंट के ही फेवरेट ब्यूरोक्रेट है, इवन कांग्रेस गवर्नमेंट के भी ये सबसे बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर रहे। बेसिकली आजादी के बाद सिक्किम ने एक इंडिपेंडेंट देश रहने का डिसाइड किया था, तब इंडिया ने उसे कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर इस छोटे से आजाद देश में CIA ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया। और फिर 1959 में जब चाइना ने तिब्बत को इन्वेड कर दिया और दलाई लामा इस रास्ते से इंडिया आए, तब जाकर पहली बार इंडिया को सिक्किम की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चला। इसके 3 साल बाद 1962 में चाइना ने इंडिया पर अटैक किया, जिसके बाद भारत ये समझ गया कि सिक्किम इंडिया पर चाइनीज एग्रेशन का गेटवे बन सकता है। बट जब तक नेहरू जी इस पर कुछ एक्शन लेते, उन्हें चाइनीज इन्वेशन का इतना बड़ा झटका लगा कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई।
लेकिन फिर सिचुएशन की गंभीरता को हांकते हुए सिक्किम को चाइनीज एग्रेशन के गेटवे और CIA का हब बनने से रोका अगली PM इंदिरा गांधी जी ने। जब PM इंदिरा जी पावर में आई तो उन्हें ऐसे इनपुट्स मिले कि CIA अब एक फुल फ्लेज्ड प्लान के थ्रू सिक्किम में अपने रूट्स को फैला रहा है ताकि वो उस समय सोवियत टिल्टेड इंडिया पर नजर रख सके और जरूरत पड़ने पर कोई भी कोवर्ट ऑपरेशन कंडक्ट करे। इसके लिए CIA ने चोग्याल मुनाक की शादी एक अमेरिकन लेडी से करवा दी। अब जैसे इंदिरा गांधी को ये पता चला कि चोग्याल मुनाक की शादी एक अमेरिकन लेडी से करवा दी गई है तो तुरंत इंदिरा गांधी ने रिसेंटली IB में डिप्यूट हुए इंडिया के एक यंग IPS ऑफिसर को सिक्किम भेजा। उस यंग ऑफिसर ने वहां पर जाकर लोगों के बीच एक प्रो इंडिया नैरेटिव डेवलप करना शुरू कर दिया। एंड यू वोंट बिलीव, उन्होंने सिर्फ 2 सालों में ही एक ऐसा ऑपरेशन चलाया कि साल 1975 में लोगों ने रेफरेंडम यानी कि वोटिंग में ये मैंडेट दिया कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ ही जुड़ना है। और सिर्फ यही नहीं, इस मिशन के जरिए लोगों में एक ऐसा नैरेटिव भी शेप हुआ कि लोगों ने खुद ही चोग्याल डायनेस्टी को हमेशा के लिए पावर से उखाड़ फेंका। एंड एज यू मे हैव गेस्ड इट बाय नाउ, इस पूरे ऑपरेशन को लीड करने वाले, इंडिया में सिक्किम को इंटीग्रेट करने वाले ये यंग ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि हमारे प्रेजेंट NSA अजीत डोवाल जी ही थे। यस, सिर्फ अजीत डोवाल जी के वजह से ही आज सिक्किम इंडिया का एक इंटेग्रल पार्ट है। और डोवाल जी का इंडिया के लिए ये कोई इकलौता कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक्स गुजरात गवर्नमेंट के ऑफिसर और अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर प्रतीक नायर सर ने डोवाल जी के कंट्रीब्यूशंस को काफी कॉम्प्रिहेंसिवली और ब्यूटीफुली बताया। एज एन IPS ऑफिसर अजीत डोवाल साहब की करियर की शुरुआत सिक्किम के इंटीग्रेशन से हुई, पर वो तो एक ट्रेलर मात्र था। इसके बाद पाकिस्तान में 7 साल तक अंडरकवर रहना, हरमंदिर साहिब के अंदर पीक मिलिटेंसी के समय पे नेगोशिएशन करना, सातों के सातों IC-814 कांदाहार में टेररिस्ट के साथ नेगोशिएशन करके भारतीयों को छुड़ाना, और साथों के साथों एक NSA के रूप में उरी और बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक का प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन, उन्हीं का ही एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और जब ये एयर स्ट्राइक्स हुए थे तब ग्लोबली इसका नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया पर ना हो, इसे मैनेज करने का काम भी हमारे अगले टॉप नॉच ब्यूरोक्रेट टर्न्ड फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने ही किया था। एस जयशंकर जी मिनिस्टर कम और डिप्लोमैट ज्यादा है। याद है आपको 1998 के पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जब US ने इंडिया पर सैंक्शंस लगा दिए थे, तब एस शंकर जी ही वो ब्यूरोक्रेट थे जिनके नेगोशिएशन के बाद ही US ने सिर्फ सैंक्शन ही खत्म नहीं किया बल्कि हमारे साथ एक इंडो US सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट तक साइन किया था। ऐसी ही सेम डिप्लोमेटिक विक्ट्री आज से कुछ ही साल पहले जब आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया गया था तब भी हमें देखने मिली थी। उस वक्त ऐसा नैरेटिव बनाया गया था कि गल्फ कंट्रीज अब इंडिया के साथ रिलेशन नहीं रखने वाले, बट जयशंकर जी ने एब्रोगेशन के आफ्टरमैथ को ऐसे हैंडल किया, उन्होंने ऐसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए कि इंडिया पर एक्शन लेना तो दूर, आज वही गल्फ कंट्रीज खुद जम्मू एंड कश्मीर में मेजर इन्वेस्टर्स बन गए और उल्टा हमारे PM को इन्हीं कंट्रीज ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तक दे दिया है। अब अगर बात करें फाइनेंस सेक्रेटरी हसमुख अढ़िया जी की, इनका इंडिया को GST दिलाने में एक मेजर हाथ रहा है। यस, साल 2017 के पहले इंडिया में कुल मिलाकर 20 से भी ज्यादा टाइप के टैक्सेस हुआ करते थे, कुछ में तो कैस्केडिंग यानी कि डबल बार हमें टैक्स भरना पड़ता था। इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम को हसमुख जी ने सिर्फ 3 टाइप के टैक्स में अलाइन कर दिया जिसे आज हम GST बोलते हैं। CGST जो कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, SGST यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, IGST जो कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। एंड दिस प्लानिंग वाज सो इंपैक्टफुल, इतना कि इससे आज गवर्नमेंट की इनकम 8 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 30 लाख करोड़ रुपए हो गई है। और सिर्फ GST ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन जैसे वेलफेयर स्कीम्स जो आज करोड़ों इंडियंस को बेनिफिट कर रहे हैं, ये भी इन्हीं के आइडिया से निकले। विनोद राय जी जैसे ऑफिसर्स ने तो सिस्टम में रहते हुए रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लिया। द मैन विद इंपेक्टेबल क्रेडेंशियल्स विनोद राय, द मैन हु टुक ऑन द सिस्टम व्हेन ही वाज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। 2G स्पेक्ट्रम के टाइम पे जब CAG विनोद जी को लगा कि इसमें एक मेजर करप्शन हुआ है, उन्होंने इंक्वायरी की और गिल्टी होने पर इन्होंने तो सिटिंग मिनिस्टर तक को नहीं छोड़ा, उन्हें तक जेल पहुंचा दिया। सो ऑल इन ऑल, इन एग्जाम्पल से हमें बेसिकली क्या समझ में आता है कि इन ब्यूरोक्रेट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन भारत के कोई एक फील्ड में नहीं बल्कि हर एक फील्ड में, और फिर इवन चाहे पैंडेमिक जैसे कठिन समय में भी इतने बड़े देश में सक्सेसफुली वैक्सीन ड्राइव रन करवाना ही क्यों ना। या फिर इवन न्यूट्रलिटी के साथ इतने मेगा डाइवर्स कंट्री में इलेक्शंस कंडक्ट करवाना हो।
इंडिया स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ इज इम्पॉसिबल विदाउट इंडिया ब्यूरोक्रेट्स, और इसीलिए तो इन्हें ही सरदार पटेल जी ने द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। सो अगर आप भी फ्रेंड्स इस फील्ड में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहते हो, देश के पॉजिटिव डेवलपमेंट में अपना योगदान देना चाहते हो, सो यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जाम्स। अगर आप यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो या ऑलरेडी एक एस्पिरेंट हो जो अटेम्प्ट्स दे रहे हो, सो डू कंसिडर चेकिंग आउट अन अकेडमी एज वेल। इनका ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए ही एप्लीकेबल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। आपके लिए प्रिपरेशन थोड़ा और आसान हो जाएगा। विश यू ऑल द लक एंड अ बिग सैल्यूट टू इंडियन अनसंग हीरोज आर ब्यूरोक्रेट्स। जय हिंद। यार ये बात तो सच है कि मेजोरिटी लोगों को जो है यही लगता है कि हम जो है जिस लीडर को जो सिलेक्ट कर रहे हैं वही जो है मुल्क, हालांकि मुल्क का फेस वही होते हैं, लेकिन नो डाउट पीछे जो है उनकी सहायता करने वाले जो लोग हैं, जो उन्हें सही डायरेक्शन में जो है लेकर जाने वाले, आपको बहुत सारे जो है ना वो मैं कहूँगा एक बंच ऑफ पीपल जो है वो आपको नजर आता है। अच्छा वैसे मुझे भी मतलब ये थोड़ा आइडिया था कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना वो मतलब डिसीजंस लेते हैं, लेकिन इतने पावरफुल होते हैं ना ये मुझे सच में आइडिया नहीं था। सो आज इस तरीके से उन्होंने एक पूरी मैं कहूँगी कि लड़ी जो है वो बताई और समझाई है कि किस तरीके से पहले जो IPS IAS ऑफिसर्स हैं मतलब उन वो ही आगे जाकर आपको बेसिकली जो है वो ब्यूरोक्रेट्स जो है नज़र आते हैं, और जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े डिसीजंस हैं उनमें वो ही हेल्प करते हैं। वैसे अजीत डोवाल सर की बात करें तो मुझे लगता है उनका करियर जो है वो वाकई में ऐसा एक करियर है जो जिस पर मुझे लगता है मूवी भी बन सकती है। यार मेरे मुताबिक जो है ना जितने भी आपको जो है ना जो एक प्रोमिनेंट नाम होते हैं जिन्होंने एक अच्छा खासा योगदान जो है वो देते हैं एक कंट्री में, तो उनके अगर ऊपर मैं मूवीज की तो नहीं बात करूंगा कि मूवीज जो है वो 3 घंटों की मैक्सिमम आप बना सकते हैं, वो सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए काफी होती है। लेकिन हाँ अगर आप वाकई में देखें ना तो बुक्स जो हैं उन पे अगर लिखी जाएं तो उसमें मेरा ख्याल है कि एक अच्छा खासा जो है ना उनकी ज़िंदगी के बारे में नॉलेज, क्योंकि आप अमूमन देखते हैं जब कोई जो है गवर्नमेंट लेवल पे कोई ब्यूरोक्रेट जो है वो रिटायर हो जाता है तो उसके बाद आपको एक चीज़ देखें कुछ अरसे बाद उसकी एक बुक देखने को मिलती है कि भाई उसने अपनी लाइफ में जो है वो क्या क्या अचीव किया, क्या क्या फेलियर जो है उसने देखा, तो वो फिर आपको पढ़ने का जो है ना मज़ा भी आता है क्योंकि उसे जो है ना बड़ा एक अच्छे तरीके से जो है वो बयां किया जाता है। लेकिन भाई कोई शक नहीं कि भाई ब्यूरोक्रेट जो है उनके काम आसान नहीं होते, गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं देती हैं, कई लोग कहते भी हैं भाई ख़त्म होनी चाहिए ये चीज़ें जो हैं, उन्हें इतने ज़्यादा अमरात जो है यानी कि लग्जरी जो है वो नहीं देनी चाहिए, लेकिन भाई उनकी जॉब भी अगर देखा जाए तो उनकी जॉब काफ़ी टफ भी रहती है कि सुबह किस टाइम जाना किस टाइम आना। हाँ कुछ मैं कहूँगा कि ऐसे भी होते हैं कि भाई इनके डिपार्टमेंट ऐसे थे जहाँ पे बिल्कुल आपको लग्जरी नहीं देनी चाहिए। अच्छा देखो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि किन मतलब कितने कितने डिपार्टमेंट्स हो किस किस तरह की जो लग्जरी दी जाती हैं, लेकिन जो बहुत ही टॉप लेवल के होते हैं ना मुझे लगता है वो डिजर्व करते हैं। उसका कारण मुझे इसलिए लगता है क्योंकि अगर उनको ये टेंशन रहेगी ना कि हमें अपने घर के खर्चे पूरे करने ही, तो वो बड़े बड़े डिसीजंस नहीं फिर ले सकते क्योंकि उनका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो बिल्कुल टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और जो में योगदान देते हैं उनके लिए तो मुझे लगता है कि ये मैं वही कह रहा हूँ ना कि कुछ जो है लोगों को नहीं मिलनी चाहिए लेकिन कुछ को जो है वो आपको जो है नहीं, वो मतलब मेरे, एक जो मेरे जहन में चीज आ रही थी उसके मुताबिक हम बात करें। वाकई में बाकी जिन लोगों को नहीं मिलने चाहिए जो डिजर्व नहीं करते उनको वाकई में नहीं मिलने चाहिए, लेकिन ये देखो कि गवर्नमेंट को भी पता होता है कि कौन से लोग हैं जो कंट्री के लिए वाकई में काम कर रहे हैं। अभी जैसे बीच में मतलब डॉक्टर एस जय शंकर जी की बात की गई तो जिस तरीके से मतलब वो डिप्लोमेट्स थे पहले हम सबको पता है, फिर उनके लिए एक चेंजेस लेकर आए, फिर डायरेक्ट उनको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया, और अभी तक अगर हम देखें तो उनका स्टांस बड़ा क्लियर होता है और वो बहुत धड़ल्ले से बात करते हैं। और मुझे लगता है कि वाकई में डिप्लोमेसी और जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो बाकी दुनिया के साथ आपको बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं आपकी कंट्री को, डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करना। और अभी मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में जो सिचुएशन पूरी दुनिया की रही है, यानी कि हम कहेंगे कि एक के बाद एक कोई ना कोई हमें वाकया सुनने को मिला, उस स्थिति में मैं कहती हूँ बैलेंस मेंटेन करना उसमें डिप्लोमेट का बहुत बड़ा रोल। अभी हालांकि मैं एक वीडियो देख रहा था या हम दोनों साथ ही बैठकर शायद
वेबसाइट देखी थी उसमें ये बताया था कि अभी जैसे वो रैंकिंग आती है ना इस तरह डिप्लोमेसी में भी जो है कंट्रीज की रैंकिंग आती है कि कौन सबसे अच्छा जो है परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें आपको टॉप पे चाइना नजर आ रहा था कि वो डिप्लोमेसी में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यानी कि जो उनके एक पूरे मुल्क सॉरी पूरी दुनिया में कितने ज्यादा जो है एक्सेसिबिलिटी है उन्हें जो है बात अपनी मनवाने के लिए। तो आप ये देखेंगे डिप्लोमेट का जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। वैसे मैं सोचती हूँ कि वो कैसे सिचुएशंस को और लोगों को यू नो यूटिलाइज करते हैं और लेकिन कन्विंस करना। मेरा ख्याल है कि अगर हम एक आम इंसान की जो है वो सोच सोचते हैं ना तो हमें काफी ज्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन एक डिप्लोमेट जो है मुझे लगता है कि वो इस स्टेज पे आते आते जो है ना वो इतना ज्यादा जो है ना मेंटली स्ट्रांग हो चुका होता है या वो इतनी ज्यादा चैलेंजिंग जो है वो सिचुएशंस को फेस कर चुका होता है कि भाई उसके लिए वो सिचुएशन जो है ना कठोर होती हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई लेकिन एक आम इंसान जितने मुश्किल वो तो बिल्कुल है ऑब्वियसली उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा हो चुका होता है, लेकिन पता नहीं कि मुझे ना ये चीज बड़ी मतलब मुझे खौफनाक लगती है लाइक मतलब जैसे लाइक यू नो दूसरे कंट्रीज में जाना और लोगों से बात करना और यू नो उनको कन्विंस करने की कोशिश करना और फिर बहुत सारी चीजें मतलब मुझे लगता है बहुत ही प्रॉब्लम वाला काम है, इतना ईजी नहीं है। सारी बात जो है ना आपकी कन्विंसिंग पावर भी होती है कि अगर आपके अंदर है तो आप जो है कन्विंस कर सकते हैं। True. तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो, इसी के साथ मैं जाऊंगा वीडियो को चैनल करें वीडियो गुड बाय।